अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। आई एम टीचर दिबा, योर एसएसटी टीचर। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 21। हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 2, जूस पार्ट 1। ओके, आपके ख्याल में पाकिस्तान की सकाफत का सबसे दिलचस्प पहलू कौन सा है? अपने ख्याल का इजहार करें। स्टूडेंट्स, ये सेल्फ राइटिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सेल्फ राइटिंग है। ये आप लोगों ने खुद से सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में, और इसको अपने 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 नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। गाइडलाइन मैं आपको थोड़ी सी दे देती हूँ कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की सकाफत का सबसे दिलचस्प पहलू कौन सा है। हमने पहले बच्चों पिछली क्लासेस में पाकिस्तान की सकाफत के बारे में दो दो टॉपिक्स पढ़े थे। सकाफत मीन्स कल्चर, ठीक है, इसकी रवायात क्या होती हैं, मीन्स के पकवान कौन कौन से होते हैं पाकिस्तान में, लिबास कौन कौन से पहने जाते हैं, ज़ुबानें कौन कौन सी बोली जाती हैं, मेले और त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में पकने वाले जो खाने हैं ये सबसे अच्छा पहलू हैं, सबसे अच्छे हैं, ठीक है। लिबास जो है वो सबसे अच्छा पहना जाता है, ज़्यादा अच्छा पहना जाता है, या ज़ुबानें अच्छी बोली जाती हैं, या मेले और त्यौहार जो हैं वो अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से आपने किसी एक पहलू को लेना है, ठीक है, और उसके बारे में बताना है कि ये वाला पहलू है जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा दिलचस्प पहलू है, और उसकी एक दो रीजंस भी बतानी है कि क्यों, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक के ऊपर लिखना भी है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।